नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल लाइव। मैं हूं आपके साथ रमन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी और प्रमुख खबरों पर। देशभर में शांतिपूर्ण तरीके से मनाई गई रामनवमी, गुजरात और महाराष्ट्र से सामने आई छुटपुट घटना की तस्वीरें। रामनवमी के अवसर पर इंदौर में हुआ बड़ा हादसा, मंदिर की छत धंसने से 13 लोगों की मौत, कई की हालत गंभीर। राहुल गांधी की सांसदी रद्द होने पर जर्मनी के बयान पर कांग्रेस ने कहा धन्यवाद, तो भाजपा ने कांग्रेस पर किया पलटवार। यूट्यूबर मनीष कश्यप को मदुरई कोर्ट में किया गया पेश, बुधवार को तमिलनाडु पुलिस ले गई थी साथ। खालिस्तानी आतंकी अमृतपाल को लेकर सख्त हुई पंजाब पुलिस, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। कोरोना के आंकड़ों में फिर हो रही लगातार बढ़ोतरी, पिछले 24 घंटे में 3000 से ज्यादा मामले आए सामने। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर फिर लगे पोस्टर्स, शिक्षा पर उठाया गया सवाल। पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट को भारत ने किया बैन, कारणों का पता नहीं। आज से शुरू होगा क्रिकेट का महापर्व आईपीएल, पहले मुकाबले में चेन्नई और गुजरात होंगे आमने सामने। 26/11 हमले पर इसराइल के स्पीकर का बड़ा बयान, कहा जिसने भेजे आतंकी चुकानी होगी कीमत। तो ये थी आज की कुछ बड़ी और प्रमुख खबरें। बाकी देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए नेशनल लाइव के साथ। धन्यवाद।